राजा मौका तुझको, मन की हर इच्छा बतला दे, पूरा कर दूंगा जो कहेगा, मार तू मुझसे और किस्मत चमका ले, पूरा कर दूंगा जो कहेगा, मन की हर इच्छा बतला दे। अरे कौन है भाई, सामने आओ। लगता है जंगल में रास्ता भटक गया। आज दिया जा मौका तुझको, मन की हर इच्छा बतला दे, पूरा कर दूंगा जो कहेगा, मांग तू मुझसे और किस्मत चमका ले। नाग देवता रास्ता छोड़ो मेरा। दरवाजा, इतने घने जंगल में दरवाजा। कहाँ पास गया? ऐसी जगह मैं कितनी बंद हुए खा गया और कैसे निकलूं? जिधर से आया था वहीं से भागता हूँ। इच्छा पूरी करता हूँ। देखो घबराओ मत, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बतलाओ तुम्हें क्या पसंद है? सोना चांदी हीरे जवाहरात, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मांगो, तुम्हारी इच्छा क्या है बताओ। जो मांगूंगा मिलेगा। हाँ सच में मैं सब कुछ दे सकता हूँ। मुझे बहुत बड़ा आदमी बना दो और मुझे सोना दे दो, ढेर सारा सोने की ढेरियां, हीरे जवाहरात। अपनी आंखें बंद करके इच्छा मांगो। मुझे बहुत बड़ा आदमी बना दो, बहुत बड़ा आदमी, और मुझे सोने की ढेरियां दे दो, हीरे जवाहरात सब दे दो। ठीक है।
अरे बुधवा, दरवाजे पे टंगे रहने से तेरा बापू जल्दी नहीं आ जाएगा। रात बहुत हो गई है, चल खाना खा ले। बस थोड़ी देर और, बापू आते ही होंगे और मैं नए जूते पहनकर ही खाना खाऊंगा। आज तो घर में फिर ड्रामा होगा। अरे जब पूरा नहीं करता तो वादा ही क्यों करता है? खुद को राजा बनने के सपने देखता रहता है और इस बच्चे को भी दिखाता है। चुप हो जाओ दादी, बापू जूते लेके जरूर आएंगे। जब देखो उन्हें कोसती रहती हो आप। अरे मैं तेरे बापू को नहीं कोस रही हूँ, मैं तो अपने कर्मों को कोस रही हूँ। जब वो नए जूते आएंगे ना, तो मैं उन नए जूतों को स्कूल में पहन के जाऊंगा और फिर मैं तो तुमसे बात भी नहीं करूंगा। बेटा तुम्हारे जूते भी आ जाएंगे, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। जा। नहीं, आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप मेरे लिए जूते लेकर आओगे। बेटा जब तुम बड़े स्कूल में जाओगे ना, हम तुम्हारे लिए बहुत ही चमकदार और महंगे जूते लेकर देंगे। अभी ये ले लो तुम। नहीं पर मुझे जूते चाहिए, आपने कहा था मुझसे। बेटा हमने तुमसे वादा किया ना, हम तुम्हारे लिए ले आएंगे तो हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। जब वादा करता है तो पूरा क्यों नहीं करता है? माँ वादा किया है तो हम पूरा भी करेंगे। कल ना बुधवार हम तुम्हारी जो टूटी चप्पल है ना, हम उसको सिलवा कर लेके आए, और जो तुम नया जूता मांग रहे हो ना, वो भी दिलवा देंगे तुमको। नहीं जी, मुझे वो टूटी हुई चप्पल, मुझे पता था आप जूते नहीं लेकर आओगे। दादी ठीक कहती है, आप झूठे हो। अब मुझे आपसे नहीं बात करनी है बापू। अरे बेटा सुन तो, माँ मैं आता हूँ। ललन बेटा जा, तू हाथ मुंह धोके जरा खाना खा ले। है? वो तो गुस्से में चला गया है, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा आ जाएगा, खाना खा लेगा। आ। माँ मैं बुधवार के साथ खा लूंगा, तू खा ले। जब बच्चे भूखे हो तो माँ कैसे खाना खा सकती? बुधवार, बुधवार, बेटा कहाँ हो तुम? बड़ी गलती है बुधवार। उषा जी, आप हमारे बेटे बुधवार को देखे क्या? अरे ललन इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तो क्या बताएं आपको, नाराज होकर हमसे घर से चला गया, पता नहीं दिख नहीं रहा हमको कहीं वो। अरे बच्चा है, आ जाएगा, ठीक है आओ। बुधवार बुधवार बेटा कहाँ हो तुम? अरे अरे ललन, आप हमारे बेटे बुधवार को देखे क्या? नहीं यार, देखो कहीं कहीं गांव के बाहर ना चला गया, बीच में जंगल पड़ता है, भयानक भयानक जंगली जानवर है, जाकर ध्यान रखो, हमें मिलता है तो हम भेजते हैं। बुधवार बुधवार बेटा कहाँ है तू? अब कहाँ ढूंढेंगे हम इसे? बाबू कहाँ है? बुधवा, बुधवा बेटा तू कहाँ चला गया था? हाँ ना तो तूने कुछ खाना खाया और ना ही तूने अपने बापू को खाने दिया। तेरा बापू कहाँ है? मुझे नहीं पता। रात दिन मेहनत करके घर आया था, पानी तक की नहीं पिया उसे। आप इतनी रात को उसे कहाँ ढूंढने जाओ? और किस्मत भी उसके साथ नहीं देती। ये सब तेरी वजह से हुआ बुधवा, ना तू गुस्से में घर से भागता, ना तेरा बापू तुझे ढूंढने जाता। मैं कहाँ भागा? मैं तो घर के पीछे ही था। देख बुधवा, तेरा बापू रात दिन बैल की तरह मेहनत करता है, फिर भी उसका भाग्य साथ नहीं देता। अरे किसके लिए करता है? तेरे लिए बुधवा, तेरे लिए करता है। बुधवा तू अपने बापू से नाराज ना हुआ कर। ठीक है दादी, मैं अब बापू से कुछ भी नहीं मांगूंगा। जब बापू आएंगे ना, तब मैं उनसे बोलूंगा ना मुझे चप्पल चाहिए ना जूते, मुझे सिर्फ दादी और बापू चाहिए। मेरा बुधवा।
पूरा कर दूंगा जो कहेगा। मन की हर इच्छा बतला दी, आज दिया जा मौका तुझको। मन की हर इच्छा बतला दी, पूरा कर दूंगा जो कहेगा। मांग तू मुझसे और किस्मत चमका ले। अब तो गुस्सा छोड़ दो। इतना बड़ा सा तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, आजा अंदर आजा। कितनी बदबू है यहां पर। से चल से चल भागना चाहिए। मैं रास्ता भूल गया हूँ। देखो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। मुझे छोड़ दो। घबराओ नहीं, मैं लोगों को मारता नहीं हूँ, उनकी इच्छा पूरी करता हूँ। देखो देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मेरा बच्चा खो गया है, मेरी मदद कर दो, आप उसे ढूंढेंगे। ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं केवल इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बता, सोना चांदी जवाहरात? मुझे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मुझे बस मेरा बच्चा ढूंढ दीजिए। अगर आप अब कुछ देना चाहते हैं तो बस मेरे बच्चे के लिए कुछ दे दीजिए। तो अपनी आंखें बंद करो और अपनी इच्छा पूरी करो। ये बाबू आ गए, ये बाबू आ गए। बाबू मेरे जूते गए। बेटा तुम्हारे जूते भी आ जाएंगे, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। नहीं, आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप मेरे लिए जूते लेकर आओगे। मेरी इच्छा मेरे बच्चे की खुशी है, उसे अच्छे से बड़े स्कूल में दाखिले के लिए मुझे 5,00,000 रुपए चाहिए और उसके लिए एक जोड़ी सुंदर जूते। ठीक है, मुझे वापस ठीक करो। 10 महीने से इस दानवी गुफा में कैद था।
आजाद होना चाहते हो, तुम आजाद होना चाहते हो तो इंतजार करो किसी का, तुम उसकी इच्छा पूरी करोगे और तुम आजाद हो जाओगे जैसे मैं आजाद हो गया। देखो देखो मेरी माँ, मेरा बच्चा, वो अकेले मुझे घर जा रहा है। आजाद हो गया, रुको, देखो बच्चा, भूख लगी है, खाना दो मुझे, मुझे घर जाना है। रात को अब इसकी खबर लेती हूं। आती हूं। दादी, अरे कोई है नहीं, बचाओ। क्या हुआ दादी? मैं उसे घबरा मत, बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे ये कहां से आवाज आ रही है? देखिए आप लोग घबराइए मत, एक एक करके बताइए हुआ क्या था। आप बताइए साहब। बहुत खतरनाक और ताकतवर था वो, बिल्कुल खून पीने वाले दानव की तरह। साहब उसके लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून और पूरे शरीर पर उसके भालू की तरह बाल थे। उसने मेरे भाई को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार डाला, मार डाला मेरे भाई को। और ये कहकर गया है कि वो दोबारा आएगा। पता नहीं साहब कितने लोगों की और जान लेगा वो। क्या हुआ? अंदर